कसरावत के वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर एएन हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, अब कसरावत के मरीज बेहद कम खर्चे में मुंबई जैसे महानगर के डॉक्टरों की सेवाएं ले सकेंगे, वह भी यूनानी पद्धति से जिसमें साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता है। डॉक्टर हुसैनी एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो पिछले 35 वर्षों से कसरावत और आसपास के गांव में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर हुसैनी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने मुंबई के वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कसरावत और अन्य शहर के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया है। इस पद्धति के माध्यम से उन्होंने वह जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया है जो कि अन्य दूसरी पद्धति जैसे एलोपैथी व आयुर्वेद में असफल रही। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर असगर अली हुसैनी साहब मौजूद हैं जो होम्योपैथी पर काम कर रहे हैं और होम्योपैथी का इलाज जो आज देखा जाए कि हर आदमी इलाज के लिए परेशान है, तरह तरह की नई नई डिसीज सामने आती जा रही है, लोग एलोपैथी का इलाज से थक गए तो होम्योपैथी जो बहुत पुरानी पद्धति है हमारे लिए उस पर कुछ वर्क किया है, तो हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है और बताइए कि आपने आज जो है कुछ पेशेंट्स भी बुलाए हैं, तो होम्योपैथी क्या है और क्यों आप वैसे बहुत पुरानी पद्धति लोग इसमें जानते नहीं हैं होम्यो पद्धति के बारे में, तो डॉक्टर साहब बताएं कि होम्योपैथी क्या है, क्यों लोगों को होम्योपैथी की तरफ लाना चाहते हैं, क्या है? एक्चुअली होम्योपैथी बहुत पुरानी है और मैं पिछले 35 साल से यहाँ पर कसरावत में होम्योपैथी की सेवा दे रहा हूँ। कुछ समय से मैं पिछले कुछ सालों से मुंबई के डॉक्टर से जुड़ा हुआ हूँ जो वहाँ पर MD है। कुछ पेशेंट अपने जो गरीब पेशेंट रहते हैं लेबर क्लास के, वो मुंबई जा नहीं पाते, तो डॉक्टर साहब की सेवा यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ली जाती है। और होम्योपैथिक के लिए मैं इसलिए प्रमोट करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा देना चाहता हूँ कि एक तो होम्योपैथिक से क्योर होता है, जैसे एलर्जी के एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं, एलर्जी अच्छा है एलोपैथिक, उसकी कोई तकलीफ नहीं मुझे, उसकी कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज़ है, पर उसका क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है, टेम्परेरी सप्रेस्ड कर देता है, टाइम भी होम्योपैथिक क्योर करता है, खास करके एलर्जिक कंडीशन में बालों का झड़ना, मुहासे, रिंगवर्म, स्किन डिसीज और वार्ट्स, खास करके वर्ल्ड के अंदर मसों की दवाई होम्योपैथिक से बेस्ट नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे खिरते हैं कि वो दाग भी नहीं रहते, गठिया बाय और डिप्रेशन, इसका इलाज बहुत अच्छा है होम्योपैथिक में। एक है कि पेशेंट से हम जो उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को हम पहले लिटरेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा तरह से पेशेंट को समझाते हैं, तो आपसे हम क्या चाहते हैं, वो अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स देगा उससे डॉक्टर को मेडिसिन देने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा रहती है, और अच्छी सी दवाई निकाल के वो पूरी सिलेक्ट करता है एक दवाई और पेशेंट को देता है। कुछ से केस तो ऐसा देखे हमने कि जो लंबे टाइम से सर्दी है उसको बहुत सालों से महीनों के अंदर ठीक होती है, कुछ महीनों में ठीक हो जाती है, और जैसे मसे बताया मैंने, मसे तो किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने लगता है, पर कि एकदम अच्छा आराम लगता है इसके अंदर। तो मेरी क्या नाम है आपका? अनिल सर। आपको क्या समस्या आ रही है? तो ये इतनी सारी जो समस्याएं थी आपको, तो इसमें आपने होम्योपैथी को क्यों चुना, ये डॉक्टर को क्यों चुना, दूसरी जगह क्यों नहीं गए आप, यहाँ पर आपको कैसा लगा? ये हमें अच्छा, उसकी दवाई गोली बहुत भारी पड़ती है और यहाँ पर दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता आपको, है ना? आपका कहना है कि दूसरे डॉक्टरों को आपने से दवाई खाती है उसको खाने के बाद आराम तो लगता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट भारी पड़ती है गोली, तो यहाँ की जो दवाई गोली है आपको नुकसान नहीं होता, अच्छा लगता है? तो कितने दिन हो गए आपको इलाज कराते हैं? एक महीने में क्या फर्क लगा आपको? खाना ये सब भूख में लगती है,
तो आपको फर्क पड़ रहा है इससे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।